शिवपुरी शहर के माधव चौक चौराहे पर स्थित बिजली विभाग पर चाबी घर का चक्का जाम किया गया। वहां पर फक्कड़ कॉलोनी, घोसीपुरा, संजय कॉलोनी के मजदूर वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि पिछले एक महीने से ट्रांसफार्मर खराब है, जिसे विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा अभी तक नहीं बदला गया। हम लोग बिल भी जमा करते हैं, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। लाइट, पानी, हर चीज से परेशान है। मजबूरी में आकर आज हमको यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों ने विद्युत विभाग एवं विद्युत मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर रखकर विद्युत व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। वहीं विद्युत अधिकारी राकेश पांडे का कहना है कि यह लोग चोरी से लाइट जलाते हैं, डीपी पर डायरेक्ट तार डालकर हीटर जलाते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर फूक जाता है, जिसे बदलने में वक्त तो लगता है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। उनकी लाइट नहीं आ रही थी, महीने भर से लाइट तो है उनकी, अभी ट्रांसफार्मर चेंज किया था, हुआ क्या वहाँ लोड बहुत अधिक है, हर घर में हीटर जल रहा है, इस वजह से ट्रांसफार्मर क्या चल नहीं पाता जी। ठीक है, फिलहाल में अवेलेबल नहीं है 200 का ट्रांसफार्मर, लेकिन मंगाया गया है जहाँ से, 2-3 घंटे में इनका ट्रांसफार्मर रखवा दिया। आपने बताया कि ओवरलोड है वहाँ पर, ओवरलोड किस कारण से है? वहाँ लोग हीटर चलाते हैं, घर घर में चार चार हीटर लगे हुए हैं, तो इसमें से हमें क्या विभाग कुछ कार्रवाई करेगा दोनों तरफ? कई बार विभाग ने भी अपनी कार्रवाई करने की कोशिश की है, उनके तार वगैरह काटना, हीटर वगैरह भाव से बरामद किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उसके बाद नहीं आते। सर बता रहे हैं कि एक कब तक चालू की जाएगी? 3 से 4 बजे तक ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया जाएगा, 2-3 घंटे का समय लगेगा। सर बता रहे हैं 15 मिनट 15 दिन से लाइट नहीं आई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 15 दिन से लाइट है, लेकिन ट्रांसफार्मर ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाता जी, ओवरलोड के कारण। जी जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।